अलवर में सामान्य चिकित्सालय में मेडिकल रेस सोसाइटी की मीटिंग में जिला कलेक्टर पहुंचे और तीनों अस्पतालों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पीएमओ भगवान साय से मरीजों को मिलने वाली योजनाओं की स्थिति जानी, साथ ही वार्ड में जाकर मरीजों से भी मिले। पिछले दो दिनों से डॉक्टरों की दो घंटे के चल रहे कार्य बहिष्कार पर उनका कहना था कि इस विषय पर संबंधित विभागों से संपर्क किया जाएगा और समाधान निकाला जाएगा। आज हॉस्पिटल के तीनों विंग का निरीक्षण किया गया और मेन एजेंडा था जो आरएमआरएस की बैठक है उसको आज लेनी थी और सभी जगह का निरीक्षण करके एक तो समय पर जो भी यहाँ पे योजनाओं के लाभ हैं जिला अस्पताल के वो सबको मिल जाए, ये मेन निर्देश दिया। और उसके अलावा हॉस्पिटल में जो छोटी मोटी रोज़मर्रा की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसकी भी लिस्ट बनाने को कहा है कि आप लिस्ट बना के दें और जो बैलेंस बजट है उस हिसाब से हम एकदम से उसका क्रय कर सकें, छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमें वेट ना करना पड़े। और कुछ कर्मचारियों के वेतन के और एरियर के मुद्दे थे वो भी समाधान के लिए एक अन्य विभाग से लेखा अधिकारी यहाँ पर लगा रहे हैं। और इस तरह से कुछ और एजेंडा थे जो पिछली बैठक हुई थी आरएमआरएस की उसमें जो निर्देश दिए गए थे उसकी क्या पालना हुई उसकी भी समीक्षा की। इमरजेंसी का यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर भी खुला है, वहाँ पे नंबर ऑफ़ बेड बढ़े हैं और उधर भी स्टाफ लगाया गया है तो ट्रॉमा सेंटर में ज़्यादा शिफ्ट होने लगे हैं इमरजेंसी के लोग, तो सुविधा वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर में काफ़ी अच्छी है।